नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रोकुल जी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक के बारे में। आज के दिन हमें सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिला है और पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है हमें पीएसयू बैंक सेक्टर में, जहां हमें पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में 4.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में ऊपर की तरफ और क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्या एसएल मेंटेन करना चाहिए, और साथ ही जो पीएसयू बैंक के स्टॉक है कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक, यूको बैंक, ये सभी स्टॉक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये स्टॉक में हमें कहां पर एंट्री लेनी चाहिए, क्या एसएल मेंटेन करना चाहिए और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों पीएसयू बैंक के स्टॉक के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम सेक्टर की एनालिसिस करेंगे, पीएसयू बैंक सेक्टर की एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और साथ ही दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड सभी न्यूज हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोस्तों पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंक का जो सेक्टर है उसने वीकली पर ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अगर इस फ्राइडे के दिन पीएसयू बैंक 3060 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो दोस्तों हमें पीएसयू बैंक में और पीएसयू बैंक के जो स्टॉक्स है उनमें ऊपर की तरफ और तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम एक एक स्टॉक के बारे में जानेंगे, जहां पहला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों इस स्टॉक ने लास्ट वीक की वीकली पर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उस ब्रेकआउट के नीचे क्लोजिंग दी थी और मंडे के दिन इस स्टॉक में हमें एक अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला था और इस वीक के अंदर इस ब्रेकआउट को टेस्ट करने के लिए, रिटेस्ट करने के लिए आया था स्टॉक और वहीं से हमें इस स्टॉक में एक अच्छा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। दोस्तों जिस हिसाब से हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है तो शॉर्ट टर्म में हमें इस स्टॉक में 130 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 130-132 की प्राइस पर बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है। जब तक बैंक ऑफ बड़ौदा 132 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ और बड़े टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 107-106 की प्राइस पर बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे, जो है कैनरा बैंक। दोस्तों ये स्टॉक भी काफी अच्छा अपट्रेंड दिखाया है और इस स्टॉक ने भी दिया है ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, वहीं से हमें इस स्टॉक में एक अच्छा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है और आगे भी और अपट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अभी अपने ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है। आपको कंपलसरी एसएल मेंटेन करना है 240 का और आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 300 के। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे, जो है पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों पीएनबी इसी रेंज में चल रहा है, आप देख सकते हैं 37-36 की प्राइस से पीएनबी के स्टॉक में हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। जिस दिन पीएनबी 49 के ऊपर ब्रेकआउट देकर और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा उसके बाद में हमें इस स्टॉक में 55 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जब जब पीएनबी 39-38 आता है आप इस स्टॉक में 35 का एसएल कंपलसरी मेंटेन करके इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे, जो है इंडियन बैंक। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में जैसा अपट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वैसा हमें इंडियन बैंक में देखने को नहीं मिल रहा है। आज के दिनों में इंडियन बैंक के स्टॉक में नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। इंडियन बैंक का जो सपोर्ट है वो है 147 का। अगर इंडियन बैंक 147 ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो दोस्तों हमें बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में नीचे की तरफ 137-138 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि यहीं से हमें इंडियन बैंक के स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिले। अगर इंडियन बैंक 174 के ऊपर डेली पर क्लोजिंग देता है तो दोस्तों हमें इंडियन बैंक के स्टॉक में 192 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जान लेते हैं, जो है यूको बैंक। दोस्तों यूको बैंक तो कंटिन्यू कंसोलिडेट हो रहा है, इस स्टॉक में हमें कोई बड़े टारगेट देखने को नहीं मिले, कोई बड़ा अपट्रेंड देखने को नहीं मिला, ये कंटिन्यू एक ही रेंज में है।
मेरी पर्सनल आपको यही सलाह है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें ही ना, क्योंकि ये काफी टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। इसमें सिर्फ जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 12.50 का। आप इस स्टॉक में अगर एंट्री लेना चाहते हैं या फिर एंट्री ली हुई है तो दोस्तों आप 12.50 का एसएल कंपलसरी मेंटेन करें। जब भी इसमें कोई न्यूज आएगी उसके बाद में हमें यूको बैंक के स्टॉक में ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।